अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होकर मज़े में होंगे। तो आज हम पुरानी मोबाइल की निकली हुई बैटरियों से पावर बैंक बनाएंगे। ये बैटरियाँ आपको बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर मिल जाएगी। बेकार होती हैं ये, मोबाइल में काम नहीं करती हैं, लेकिन हमारा पावर बैंक जो है इससे बहुत अच्छा काम करेगा। तो चलें बनाते हैं पावर बैंक। सही है, सबसे पहले तो हम इसको इसका प्लस या माइनस एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस जो है हम इसका सीधे हाथ पे रख देते हैं सबका। सही है, राइट हैंड साइड पे। इसमें से जो जो बैटरियां अगर ख़राब हैं तो वो आप निकाल दीजिएगा, और अगर ख़राब नहीं है तो वो आप सब प्लस प्लस और माइनस माइनस जोड़ें। देखें ये भी बैटरी सही है, 3.7 वोल्ट दे रही है। प्लस हम सीधे हाथ पे रख रहे हैं सबका। ये 4.1 वोल्ट दे रही है, ये बहुत ज़बरदस्त बैटरी है और चार्ज भी है, ये अच्छी चलेगी इसका। ये सिर्फ नक्का यहाँ से निकल गया होगा तो किसी बंदे ने इसको चेंज करवा लिया। आप देख सकते हैं ये सिर्फ पिन निकली होगी, बैटरी बिल्कुल ओके है, ये LG कंपनी की है। तो प्लस इसका इधर है, ऐसे सारी बैटरियों का प्लस हम इधर करके और जो है सब में प्लस 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 और माइनस 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 सबका जोड़ते हैं। सही है, ये देखें फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर बैटरी का प्लस 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 और हर बैटरी का माइनस 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 बहुत अच्छे तरीके से सोल्ड कर दिया है। तो हमारी कुछ बैटरी इस टाइप की बनी है। अब इसमें हम अच्छा सा टैपिंग कर देते हैं ताकि ये वायर भी नहीं मिले और बैटरी भी हिले नहीं। सही फ्रेंड, ये हमने टैपिंग कर दी है, ये जो हमारा प्लस बन गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा वाला माइनस है और ये बड़ा वाला जो है हमारा, सॉरी, ये वाला जो बड़ा वाला जो माइनस है और ये छोटा वाला जो है हमारा ये प्लस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। सही है, अब इसको इस सर्किट पे, ये भी सर्किट मैंने दराज पे ही मंगाया था, ये बहुत पुराना सर्किट है, मैंने सेलो पे बनाया था एक पावर बैंक, बहुत अच्छा चला था, लेकिन फिर वो मैंने सेल निकाल के बैटरी बना दी थी तो ये वो सर्किट मेरा बच गया था। तो यही सर्किट हम इसको कहीं भी अच्छी जगह पे एडजस्ट कर देते हैं। सही है फ्रेंड, अब इसको शोल्ड करके आता हूँ मैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छी तरीके से प्लस प्लस पे और माइनस माइनस पे लगा दिया है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हैवी पावर बैंक बन चुका है। देखें अब ये 2 सेल चार्ज शो करा रहा है, तो इसको चार्ज करना है क्योंकि सारी बैटरियाँ मैं पुरानी दुकान से लेकर आया था, रिपेयरिंग की बैटरियाँ हैं ये सारी, तो ये चार्ज नहीं होती हैं। तो ये 2 सेल अभी यहाँ पर शो करा रहा है, हम देख सकते हैं। ये इसका टच बटन है, यहीं से ये टच करेंगे तो ये सेल शो पे आ जाता है। और ये इसको हम यहीं पे अच्छी तरह से टेपिंग कर देते हैं, लेकिन पहले इसको चला के चेक कर लेते हैं। मेरे पास एक 5 वोल्ट का काइया है, इसको लगा के चेक करते हैं इसके साथ। ये देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, और इसकी ये देखें निब भी गर्म होना शुरू हो गई है। सही है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है, और ये क्विक चार्ज सपोर्टेड, ये आपका जो है पावर बैंक का सर्किट जो है ये क्विक चार्ज सपोर्टेड है। ये ब्लू जो है इसका ये क्विक चार्ज पे जाएगा और ये नॉर्मल चार्जिंग पे। क्विक चार्ज पे तकरीबन 3 एम्पियर ये देगा, 12 वोल्ट तक जाएगा, इस पर 5 वोल्ट 2 एम्पियर देगा। ये परफेक्ट आपका पावर बैंक बन चुका है नॉर्मल यूज़ के लिए। आप अपना खुद का मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, हर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। बेहतरीन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और आने वाली वीडियो में आपको मिल जाए। इसको मैं यहीं पे ही ग्लू गन से रोक दूंगा, और ये इसमें यहाँ पे मैं ग्लू गन भर दूंगा ताकि इसके टांके नहीं टूटें और ये आराम से पॉकेट में आ जाए करेगी। बेहतरीन बनी है ये और बहुत ज़्यादा यूजेबल होगी। इसका बैटरी लेवल भी बहुत ज़्यादा आता होगा क्योंकि सारी लिनियन बैटरी हैं इसमें, तो बैटरी लेवल भी इसका बहुत प्यारा होगा। ऐसे पुरानी बैटरी अगर आपके पास पड़ी भी हो, कोई 2 CR की मोबाइल की दुकान हो, तो वहाँ से आप ला के इसको तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।